हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइज, दिस इज़ नेहा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है, आप सबको टाइटल और थंबनेल देखे तो वैसे पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर से बता देती हूँ आपको। जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सना खान जी के इंटरव्यू पे। सो आप सब लोग उनको जानते हैं कि वो इंडियन एक्ट्रेस हैं और मतलब बहुत ही सारी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मतलब एडवर्टाइजमेंट से करी थी, एंड फिर उनको मूवीज़ में काम मिला तेलुगू एंड और भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम करा है। सो उन्होंने हाल ही में अपनी जो है एक्टिंग को छोड़ने का डिसीज़न लिया है फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी, एंड मतलब वो जो हैं अब इस चीज़ में जो है अपना काम नहीं करना चाहती हैं ना। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है कि बिग इंस्पिरेशन टू मुस्लिम्स। सो हाँ जी, वो हो भी सकता है। सो उनका एक इंटरव्यू है, वो मतलब अपने किसी इंटरव्यू में इंटरव्यू देते हुए रो पड़ी हैं कि उनका जो इंटरव्यू हुआ है कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का जो रीज़न है, तो आज हम उस रीज़न को जानेंगे कि क्या ऐसा रीज़न होने वाला है। सो बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले वीडियो को हम लोग प्ले कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह तुम्हें कभी जाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है, उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफकोर्स इनका नंबर था और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई ना कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा जाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना, कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसका जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी, जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है, क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा जाहिर होता है, क्योंकि लोग भी जाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना, ये दोनों ना सही है साथ में, ये दोनों ना गलत जोड़ी है। हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। देखो जुनैद जमशेद साहब से उन्होंने कैसा काम लिया, जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और सबसे बड़े एग्जाम्पल जुनैद जमशेद साहब है हमारे लिए मरहूम। तो जब उनकी मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी और मैं उनका हमेशा वीडियो देखती थी, फिर पता चला मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, और उनके उनके शहीद होने से पहले उनका जो लास्ट वॉइस नोट आया था मेरे शोहर पे आया था, उन्होंने मुझे वो सुनाया, अभी तक उन्होंने वो सेव करके रखा है। तो जब मैं ये सारी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि वाकई अल्लाह कुछ भी कर सकते, कौन सोचा होगा कि ये इंसान इतना बदल जाएगा, और सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उन्हें इतना कबूल किया, इतना कबूल किया कि पूरे दुनिया में आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुसलमान है जो उन्हें नहीं जानता है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह, अगर मेरे शौहर जो कह रहे हैं सही है ना, तो मुझे भी यू नो फीमेल वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद बना देना और मुझसे भी वैसा ही काम लेना, वैसा ही काम लेना, उससे बढ़ के लेना, क्योंकि हम अल्लाह से मांगते ना तो जितना हो सके उतना मांगे। और मूवी मिली थी सलमान के साथ तो आई वाज लाइक वाओ ये वो, बट
जब मैं उमरा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है और ऑफकोर्स गम के। वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुना याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और यू नो हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि, अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे ऐसा लगता था पहले मैं जाऊंगी ना, मैं कहूंगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे, मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है, और कहीं ना कहीं जो अजबाबी तौर से दिखता है मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ, और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं, और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तेकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नज़र आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, और ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो हम उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नम में भेजने वाले हैं। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं, मैं तो पर्दा भी नहीं करती हूँ। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन वो कहता है भाई सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं सामने वाले की तो इज्जत रख लो, होता है ना। तो मैं अनस के पास वैसे जाऊँ और बात करूँ, मुझे ऐसा लगता था यार, वो होता था ना, मैंने इनका नाम रख दिया था कि अल्लाह की पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा अच्छा। फिर अल्लाह ने एक ऐसा वक्त लाया कि 2018 ही उसी साल के एंड में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर यू नो इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है शायद और बहनों का फ़ायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ जी 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 मौलाना जी 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 तो क्या पता था कि मेरे हमसफ़र बन जाएंगे। तो हाँ 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 जी जी जी। अब इनके साथ में मिली ना जब मैं आपको बता ही देती हूँ, मुझे क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई, और जब हुई ना तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ
दो घंटा कम से कम बैठी होंगी, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, आप काम छोड़ दो, नहीं नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊँगी, समझ रहे हो आप, या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ़ करूँगी कि यू नो, तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे यू नो, हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी, और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं, बहुत बड़ा दर्जा है और मकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है, और शायद यू नो, बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं। बिल्कुल, सना खान ने जो है कितना सही उन्होंने लास्ट की जो लाइंस कही हैं माँ बाप के बारे में, कि पहले जब हम छोटे होते हैं तो हमें कितना प्यार दिया जाता है हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, सबसे, है ना, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग जो हैं भूल जाते हैं, जब उनका, जब वो छोटे बन जाते हैं ना, क्योंकि बुढ़ापा कहते हैं जब एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है, सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कैसे पीछे हटते हैं ना, बूढ़े माँ बाप को हम कैसे उनकी ख्वाहिशों को, उनकी उनकी कदर नहीं करते। बिल्कुल सही उन्होंने बात कही है, और बीच में कितना वो रो रही थी, एंड जो अनस सैयद के बारे में उन्होंने बात बताई है, बहुत सही बताई कि पहले मुझे बहन बहन करके बुलाते थे, एंड तारिक जमील जी को बहुत पसंद करती हैं ये, सो मैं भी करती हूँ। सो ये इनका इंटरव्यू था और हमने सुना है, सो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है कि उस चीज़ को छोड़ के ये, और हिदायत वर्ड का मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हिदायत दे, लेकिन मैं लाइक ज़रूर करती हूँ कमेंट को, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल नहीं पता है कि क्या मीनिंग होता है। सो वो आप लोग बताना कि हिदायत का जो है मीनिंग क्या होता है, और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ, तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।